नमस्कार साथियों, मैं हूं अभिनव शांशु पांडे और अभिप्सा की पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी चर्चा क्या थी, देखिए कल के वीडियो में यानी कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से अनुगमन वेग है, उसका जो है विद्युत धारा से क्या संबंध है। उसके बाद में हम लोगों ने वहीं से जो है मतलब प्रतिरोध के बारे में चर्चा की, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में चर्चा की और बहुत सारी चीज़ों को समझा। हम लोगों ने ये सारे कारक देखे जो प्रतिरोध या विशिष्ट प्रतिरोध को प्रभावित कर सकते हैं। अब आज हमारी चर्चा का विषय क्या है वो जानने से पहले आप देख लीजिए कि न सिर्फ भौतिकी बल्कि गणित, रसायन और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान मतलब दसवीं और बारहवीं के जितने भी विषय हैं, हम सारे विषयों पर आपको परीक्षा की तैयारी के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं। आपको विशेष फायदा होगा अगर आप हमारे एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, क्योंकि वहां मिलता है माइंड मैप, वहां मिलता है विशेष शॉर्ट नोट्स और वहां जो है आपको हर तरीके से हमसे वन टू वन जुड़े रहने की, हमसे हमारे स्पेशल मेंटरशिप को यूज करने का पूरा पूरा मौका मिलता है। तो स्वागत है आप सभी का एग्जाम सीरीज में। मिशन 2023 की बात कर रहे हैं, मैं हूं अभिनव शांशु पांडे, हम पढ़ा रहे हैं आपको फिजिक्स। चलिए आइए बात करते हैं धारा विद्युत। धारा विद्युत में हम लोगों ने अनुगमन वेग का अध्याय कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है बात करने वाले हैं प्रतिरोध का। प्रतिरोध क्या होता है भैया? यदि भाई प्रतिरोध R के बारे में जो है हम क्या देखते हैं, ओम्स का नियम तो हम लोगों ने देख लिया है कि V बाई I और इसका जो है इसका जो क्या कहना चाहिए, इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। अब अगर जो है हम ये चाहें कि भाई इसका जो है विमीय सूत्र क्या होता है, तो विमीय सूत्र के लिए जो है ये क्या होता है, देखो V बराबर होता है प्रति एकांक आवेश द्वारा किया गया कार्य, मतलब कार्य W होता है और प्रति एकांक आवेश बटा Q होता है। तो यहाँ से हो जाएगा M L का वर्ग T का ऋण 2 और बटे में Q के लिए हो जाएगा A और T। तो जो है कुल मिला के हो जाएगा ये M L का वर्ग T का ऋण 3 और A का ऋण 1। और उसके बाद में जो है ये तो हो गया क्या, विद्युत विभव, बटे में जो है धारा भी है मतलब I भी है और I खुद क्या होता है, I खुद होता है A। तो यहाँ से बटे में A आ जाएगा और यहाँ से हमको कुल मिला के क्या मिला, M L का वर्ग T का ऋण 3 A का ऋण 2 और ये जो है होना चाहिए क्या, ये होना चाहिए विमीय सूत्र प्रतिरोध के लिए। प्रतिरोध परिभाषित कैसे करेंगे, किसी चालक द्वारा खुद से आवेशों के प्रवाह के लिए के समय लगाए गए बाधाओं को विद्युत का प्रतिरोध मतलब विद्युत धारा का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे ओम से प्रदर्शित करते हैं, बाकी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। कल ही तो हम लोगों ने देखा है क्या M, यहाँ M E ले लेते हैं ना भैया, हाँ, तो चालक जो है M E N E का वर्ग टाउ और L बाई A। तो इसका मतलब ये है कि जो चालक है मतलब ये जो R है प्रतिरोध है वो डायरेक्टली निर्भर करता है लंबाई के ऊपर, फिर R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है A के ऊपर, मतलब जो जो कितना भी हमारा जो चालक है वो कितना एरिया क्रॉस सेक्शन है इस बारे के इसके ऊपर भी निर्भर करेगा, जितना चौड़ा तार लोगे उतना कम प्रतिरोध मिलेगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो हम बदल नहीं सकते तो इसके ऊपर निर्भरता नहीं है। प्रति एकांक आवेशों की संख्या मतलब ये जो है पदार्थ की प्रकृति को दिखाता है, इसलिए जो है हम बोल सकते हैं कि ये पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। ई जो है आवेश है और आवेश को हम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को नहीं बदल सकते, मतलब ये जो है ये वाली संख्या जो है किसी प्रकार से नियतांक है। अब टाउ क्या होता है, ये श्रांतिकाल या विश्रांतिकाल है और जैसे जैसे तापमान बढ़ते जाता है वैसे वैसे जो है विश्रांति काल जो है वो कम होता जाता है, और जैसे जैसे विश्रांति काल कम होगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध बढ़ेगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारा प्रतिरोध है वो तापमान पर भी सीधे सीधे तौर पर अनुक्रमानुपाती रूप में जो है निर्भर करता है। तो ये जो है तीन चार चीज़ें हो गई जिन पर जो है हमारा प्रतिरोध निर्भर करता है। अब इन सारी चीज़ों को जो है हम तो समझ गए, आगे की बात क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था, विशिष्ट प्रतिरोध और रो के बारे में हम लोगों ने देखा था, ये होता है एम ई और एम ई का ई छोटा कर लेते हैं एम ई और यहाँ पर होता है एन ई का वर्ग और टाउ। तो यहाँ पर ये विशिष्ट प्रतिरोध है जो कि सिर्फ पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करती है। ये जो प्रकृति है यानी कि ये जो सुविशिष्ट प्रतिरोध होता है वो किस बात पर निर्भर नहीं करता, प्रकाश मतलब हमारे जो पदार्थ है या जो हमारा चालक है उसके डायमेंशन यानी कि उसके आकार
के ऊपर निर्भर नहीं करता। तो परिभाषा क्या है, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट को काट वाले लंबाई एकांक लंबाई के प्रतिरोध का को ही हम उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। मतलब सीधी सी बात है, हमको पता है R बराबर रो L बाई A, हम लोगों ने L और A दोनों का मान एक एक ले लिया तो प्रतिरोध जो है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर हो गया। अब इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे तो भाई यहाँ देखो विशिष्ट प्रतिरोध को निकालने के लिए R गुणा A बटा L हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम मात्रक निकालें तो हमको क्या दिखाई देता है, R जो है वो होता है ओम में, प्रतिरोध जो है होता है ओम में, ये मीटर का वर्ग और यहाँ पर बटा मीटर आ जाएगा, इसका मतलब विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। ठीक है, तो जो है ये भी हमको ओम मीटर मिल गया, यहाँ सभी समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि जल्दी जल्दी पढ़ना है इसलिए जल्दी जल्दी बात कर रहे हैं। अब अंतर निकालते हैं, चलो भैया अंतर जान लो। तो अंतर क्या क्या होता है, आकार पर निर्भरता, क्या प्रतिरोध आकार पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है, जबकि प्रतिरोधकता आधार पर निर्भर नहीं करती। मात्रक जो है इसका ओम होता है प्रतिरोध का, लेकिन इसका विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता का मात्रक होता है ओम मीटर। परिभाषा प्रति किसी चालक द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में किए गए प्रतिरोध को दिए गए परेशानियों को हम उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, जबकि प्रति एकांक आयतन द्वारा प्रेषित प्रतिरोध को हम प्रतिरोधकता कहते हैं। विशेषता क्या है, विशेषता यह है कि प्रतिरोध जो है वो आकृति के ऊपर निर्भर करता है और ये प्रतिरोधकता आकृति के ऊपर निर्भर नहीं करता। इस प्रकार से चार बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ये जो है अंतर आपसे पूछेगा तो दो अंक के लिए पूछेगा। ठीक है, चलिए अब प्रतिरोध और प्रतिरोधकता का जो है ताप का मतलब क्या प्रभाव पड़ता है, तो फिर से जो है हम बात कर लेते हैं भाई, जितना भी सूत्र हमारे पास में है उन सूत्रों को हम उपयोग करेंगे। रो बराबर एम ई और ऋण बटा एन ई का वर्ग, और यहाँ क्या होता है टाउ, और यहाँ जैसे जैसे हम लोग तापमान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विश्रांति काल जो है वो कम होता जाएगा, और विश्रांति काल कम होने से प्रतिरोधकता बढ़ती जाएगी। इसका मतलब ये है कि तापमान पर प्रतिरोधकता भी और प्रतिरोध भी दोनों चीज़ें डायरेक्ट तौर पर जुड़ी हुई हैं। अब इस चीज़ का जो है मापन करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सूत्र की गणना की, और यहाँ पर किसी भी तापमान टी पर जो भी जो है उसका प्रतिरोध होगा वो उसके शून्य डिग्री तापमान पर जो प्रतिरोध होता है उससे एक धन अल्फा गुणा तापमान इतना ज़्यादा होता है, और इसको जो अल्फा है इसको हम प्रतिरोध प्रसार गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो है अब यहाँ से जो है हमारे पास में फॉर्मूला है कि पहले अल्फा की गणना कैसे करें, तो दो तापमान पर दो अलग अलग प्रतिरोध की जो है हम गणना कर लेंगे, और प्रारंभिक प्रतिरोध, इस तरीके से जो है हम यहाँ पर प्रतिरोध प्रसार गुणांक के बारे में या तापी प्रसार गुणांक के बारे में जो है चर्चा कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, अब हम कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। आपको जो है एक कहानी सुनाना है, और वो ये है कि बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, हु लाइक्स गोल्ड एंड सिल्वर। अब यहाँ पर जो है इसके सामने जो है हम नव अंक लिखते जाएंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ हैज जो हैज का कोई मतलब नहीं है, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9, और उसके बाद में यहाँ पर जो है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए क्या होता है कि हर बार जो है आपके पास में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हों, ऐसे जो है उपकरण उपलब्ध हों जिससे आप प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सके, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो फिर जो है हमारे पास में क्या उपलब्धता है, और वो ये है कि हमारे पास में जो है ये जो प्रतिरोध बनता है, ठीक है, इस प्रतिरोध में जो है कुल मिला के 4 पट्टियाँ होती हैं, इन पट्टियों के अलग अलग रंग होते हैं, 1, 2, 3 पट्टी और ये 4 पट्टी। अब ये जो 4 पट्टियाँ हैं इसके अलग अलग रंग होंगे, जैसे मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ, ये है ब्लू यानी कि नीला, ये हो गया
ब्राउन और ये हो गया वाइट और ये हो गया सिल्वर। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो ब्लू है, ब्लू के सामने जो है हम लोगों ने कौन सा नंबर लिखा है, बी बी रॉय है, ब्लू का मान 6 है तो यहाँ पर आप 6 रख दो। फिर जो है ब्राउन का मान कितना है, तो ब्राउन का मान है 1 तो यहाँ पर 1 रख दो। अब यहाँ गुणा लगा दो और फिर वाइट का मान क्या है 9, तो वाइट का मान 9 है तो यहाँ पर 10^9 और उसके बाद में सिल्वर का मान क्या होता है प्लस और माइनस 10% और यहाँ पर ओम। तो इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं 61×10^9 प्लस और माइनस 10% ओम, ये जो है इसके प्रतिरोध का मान हो जाता है। आपसे क्या प्रश्न किया जाएगा बोर्ड परीक्षा में आपको जो है वर्ण कोड दिया जाएगा और आपसे प्रतिरोध का मान पूछा जाएगा या फिर आपको प्रतिरोध का मान देकर वर्ण कोड पूछा जाएगा। आगे बढ़िए, प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाता है हम देखते हैं कि अगर जो है हम लंबाई बढ़ा रहे हों प्रतिरोधों की तो उससे जो है क्योंकि लंबाई की अनुक्रमानुपाती है तो अगर हम जो है R1 और R2 को इस तरीके से जोड़ें कि लंबाई बढ़ जाए तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा और अगर हम चौड़ाई बढ़ा रहे हों तो प्रतिरोध कम होता है, इसलिए हम R1 और R2 को इस तरीके से जो है हम जोड़ते जाएं कि इनके बीच की चौड़ाई जो है बढ़ जाए तो हम इसको क्या बोलेंगे कि भैया प्रतिरोध कम हो रहा होगा। इसी को जो है दो प्रकार के समायोजन कहते हैं, एक को कहते हैं श्रेणी क्रम में समायोजन और दूसरे को जो है समांतर समायोजन यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। इनके बारे में चर्चा करो, यदि जो है किसी भी सर्किट में किसी भी परिपथ में विद्युत धारा को जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता हो और कोई दूसरा ऑप्शन ना हो तो इनको किस तरीके से जुड़ा हुआ माना जाएगा, श्रेणी क्रम में, और इसके लिए सूत्र है R=R1 + R2 + R3 और सो ऑन, इस तरीके से जुड़ जाएगा। दूसरा है यदि विद्युत धारा के पास में बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, मतलब यहाँ से I1, यहाँ से I2, यहाँ से I3, इस प्रकार से अलग अलग धाराएं अलग अलग रास्ते से जा सकती हैं तो ऐसी स्थिति में इनको क्या बोलेंगे, इसको समांतर परिपथ बोलेंगे। और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि हर एक जगह जो है विद्युत विभव का मान एक बराबर होता है, प्रत्येक प्रतिरोध के दोनों सिरों पर विद्युत विभव का मान एक बराबर होगा। यहाँ पे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि आर पी, क्योंकि ये पैरेलल है, पैरेलल मतलब समांतर है, इसलिए 1/RP = 1/R1 + 1/R2 and so on। ठीक है, तो इसके बारे में जो है हम इसका डेरिवेशन नहीं देखने वाले हैं, हमको सिर्फ इसको अप्लाई करके देखना है। डेरिवेशन के लिए भाई हमारा पाठ लंबा होता जाएगा तो उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब आप जो है अगले इसमें जो है हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में जो है हम इससे जुड़े हुए जो है कुछ सवाल देख सकते हैं या फिर जो है हम इसके आगे की चर्चा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सभी को धन्यवाद और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो भैया, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप हमारे लिए मेहनत करो। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।